तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे कि इनके अंदर रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, यानी ये रिप्रोडक्शन किस तरह से करते हैं, फर्टिलाइजेशन किस तरह से करते हैं, और जो रिलेशनशिप है जिम्नोस्पर्म की वो एंजियोस्पर्म से किस तरह है, और इनकी एफिनिटीज़ क्या क्या हैं, इनका डिफरेंस क्या है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में, और किस तरह से इनका डेवलपमेंट हुआ, इनका फर्टिलाइजेशन और इनका पॉलिनेशन, जो भी सारी प्रोसेस है वो हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं सबसे पहले रिप्रोडक्शन। सो अगर हम इनके रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें मेनली टू टाइप से रिप्रोडक्शन होता है, एक वेजिटेटिव और असेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनमें होता है, बट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो हेटरोट्रोपस होता है। हेटरोट्रोपस का मतलब है कि अलग अलग मेल मेल गैमेट अलग फ्यूज़ होता है और फीमेल गैमेट अलग फ्यूज़ होता है, और वो आपस में मिलके फिर नए स्पोर का या नए और ये प्लांट का निर्माण करते हैं। तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो मेनली बल्बिल्स की फॉर्म में होता है, या बोल सकते हैं कि एडवेंटिजियस वर्ड्स होते हैं जो कि डेवलप होते हैं कहाँ पर, स्टेम पर। जैसे कि आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर बल्बिल्स कहे जाते हैं। तो ये वेजिटेटिवली रिप्रोडक्शन का काम करते हैं, ये अलग होते हैं और एक नए तरह का प्लांट रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। सो ये जो होता है ये मेनली साइकस में होता है। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने बताया आपको, ये ओगैमस टाइप का होता है। क्या होता है कि जो रिप्रोडक्टिव फॉर्म्स हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, वो स्ट्रोबलाई या उन्हें हम कोन्स भी बोलते हैं, वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं। ओविलेट स्ट्रक्चर उनको बोलते हैं, जैसे साइकस में भी हो गया, पाइनस में भी हो गया। और लेकिन जो पाइनस में है वो मोनोसियस होते हैं और जो साइकस में है वो डायोसियस होते हैं। सो इसमें मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोन्स के फॉर्मेशन में होता है, जिसमें मेल कोन अलग बनता है और फीमेल कोन अलग बनता है। सो चलिए हम डिस्कस करते हैं। यूजली जो इनके अंदर कोन्स होते हैं वो मोनोस्पोरेंजिएट होते हैं, यानी यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए एफेड्रा वगैरह में बायोस्पोरेंजिएट भी हो सकते हैं, यानी बायोसेक्सुअल भी हो सकते हैं। तो अब इसमें जो आपको देखिए डायग्राम में शो हो रहा होगा, ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर आपको ये दिख रही है, ये मेल कोन है, और ये वाली स्ट्रक्चर जो है वो फीमेल कोन है। सो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं मेल कोन के बारे में। अच्छा, जो मेल कोन है वो मेनली माइक्रोस्पोरोफाइल्स से बने होते हैं, जैसे माइक्रोस्पोरोफाइल्स को हम स्टैमेंस भी कहते हैं, जो कि एक सेंट्रल एक्सिस में ऐसे आपको दिख रहे हैं, इस तरह से अरेंज्ड होते हैं। जो माइक्रोस्पोरोफाइल्स होते हैं वो माइक्रोस्पोरेंजिया को बियर करते हैं, यानी इनके अंदर जो होता है वो पॉलन सैक पाया जाता है, जिसे हम माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं। कहाँ पर? लोअर साइड पर। इनकी जो लोअर साइड होती है वहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है। और जो इनके अंदर स्पोरेंजिया डेवलपमेंट है वो यूस्पोरेंजिएट होता है, मतलब डेवलप फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ सेल, एक ग्रुप ऑफ सेल से डेवलप होते हैं ये मेल कोन जो हैं। और इनके अंदर क्या होता है, म्यूसिस होता है, और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैप्लॉइड पोलन ग्रेन्स बनाते हैं, जिसे हम मेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मेल कोन से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जब मेल कोन का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो ओनली वन या दो पोलोथियल सेल्स बनते हैं। पोलोथियल सेल्स का मतलब होता है, जो पोलोथियल सेल्स होते हैं वो, यानी जो पोलन ग्रेन जिनमें बन जिनसे डेवलप होते हैं उन्हें पोलोथियल सेल्स कहते हैं। क्या अब इसके आगे क्या है? अच्छा, कि जो पोलन ट्यूब है वो कैसे करती है, एक्ट स्पर्म कैरियर की तरह काम करती है। और हायर फॉर्म्स में जैसे पाइनस हो गया या फेड्रा हो गया, इनमें क्या करती है, स्पर्म कैरियर की तरह काम करती है। और लोअर फॉर्म्स में जैसे कि हॉस्टोरियम का काम करती है, जैसे साइकस में। हॉस्टोरियम का मतलब कि कुछ पैरासाइटिक प्लांट होते हैं, उनके अंदर ऐसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो कि उनके होस्ट से या मतलब जो भी उनका होस्ट होगा उनसे पैरासाइटिकली न्यूट्रिशन का या न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन करते रहते हैं। तो इनमें मेनली ये आपका हॉस्टोरियम का वर्क करने लगती है, किसमें, साइकस में। और पोलन ग्रेन जो इनमें होते हैं काफ़ी स्मूथ होते हैं, एग्जाम्पल के लिए साइकस में, और विंग्ड भी होते हैं जैसे पाइनस में। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे फीमेल कोन, यानी जो ये जिम्नोस्पर्म्स है इनके अंदर फीमेल कोन की स्ट्रक्चर किस तरह से होती है। सो आपको जैसे इस डायग्राम में शो हो रहा होगा, इस तरह से फीमेल कोन की स्ट्रक्चर होती है। सो चलिए हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, जो फीमेल कोन है ये मेनली बनती है मेगा स्पोरोफाइल से। अच्छा, जो मेल कोन था वो बन रहा था माइक्रो स्पोरोफाइल से, ये बन रहा है मेगा स्पोरोफाइल से, जिसे हम कार्पेल कहते हैं। कार्पेल बनता है और जो कि मेगा स्पोरेंजिया यानी ओब्यूल्स को बियर्स करता है। और जो ओब्यूल्स होते हैं इनके अंदर वो ऑर्थोट्रॉपस होते हैं और कवर्ड होते हैं एक सिंगल इंट्यूबमेंट से। इस तरह से इंट्यूबमेंट लेयर होती है ऐसे करके, उससे कवर्ड होते हैं, ये स्ट्रक्चर होती है कुछ तरह से। अभी मैं आपको एक डायग्राम शो करूँगी। तो इंट्यूबमेंट लेयर से कवर्ड होते हैं जिसमें, और जो सिंगल इंट्यूबमेंट होती है उसे हम जैसे जिन प्लांट्स में प्रेजेंट हो उन्हें यूनिटैग्मिक कहते हैं, जिसे जैसा कि आपका साइकस, और जिसमें दो इंट्यूबमेंट लेयर ऊपर प्रेजेंट हो इनकी ओबिल के ऊपर उसे कहते हैं बाईटैग्मिट, जो कि होता है मेनली एफेड्रा में। और एक एडिशनल कवरिंग होती है इनके ऊपर जिसे हम एरिल कहते हैं या क्यूप्यूल भी कह देते हैं, जो कि आउटसाइड ऑफ द इंट्यूबमेंट, इंट्यूबमेंट जो होता है उसके आउटसाइड पे प्रेजेंट होते हैं। सो अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी तो आपको सही से समझ में आएगा। अच्छा, जो इनके ओब्यूल्स होते हैं वो नेक्ड होते हैं, नेक्ड का मतलब है उनके ऊपर कोई भी आउटर कवरिंग नहीं पाई जाती, खाली इंट्यूबमेंट लेयर पाई जाती है, वो भी जो होती है डिस्ट्रॉय हो जाती है। अच्छा, जो इनसाइड द ओवरी कोई भी इनक्लोज्ड नहीं होता, क्यों? क्योंकि ओवरी वॉल इनके अंदर एब्सेंट होती है। सो इनके अंदर कोई भी ऐसा टिश्यू नहीं पाया जाता जो इनको इनक्लोज्ड करे या कवर करे। और इनका जो सिंगल इंट्यूबमेंट है वो डिफरेंशिएट होता है थ्री लेयर में। जो आउटर पहली वाली फ्लैशी लेयर है उसे आउटर सार कहते हैं, या हम कोटेस्टा भी कहते हैं, और मिडल स्टोनी है उसे हम स्क्लेरोटेस्टा कहते हैं, और इन जो सबसे अंदर वाली है इनर फ्लैशी लेयर उसे कहते हैं इनर सार्कोटेस्टा। सो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सो चलिए अब हम कुछ और पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं इनके फीमेल कोन के बारे में। सो देखिए, मैंने कहा था अभी कि देखिए ये वाली जो लेयर होती है, ये लेयर इसकी जो आउटर कवरिंग है, इस लेयर को हम इंट्यूबमेंट कहते हैं। और जैसा कि आपको दिख रहा होगा, देखिए ये जो ओव्यूल होते हैं इनके अंदर, या जो कोन होते हैं ओविलेट कोन होते हैं, फुल्ली मैच्योर या डेवलप जो मेगा स्पोरोफाइल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नेक्ड होते हैं, उनके ऊपर कोई भी आउटर कवरिंग नहीं पाई जाती। और ये देखिए जो मेगा स्पोरोफाइल्स हैं उनमें स्केल्स पाए जाते हैं, इस तरह से स्ट्रक्चर होते हैं। सो और ये देखिए इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ओब्यूल, माइक्रोस्पोरोपाइल और ये माइपाइलर अपेंडिजेस, इस तरह से स्ट्रक्चर होते हैं। सो चलिए कुछ और देख लेते हैं। कभी क्या होता है कि जब ओव्यूल यंग हो जाते हैं तो उनके अंदर मियोसिस प्रोसेस होती है, हमें सबको पता है, जिसमें चार हैप्लॉइड मेगा स्पोर्स बनते हैं, जिनमें क्या होता है कि तीन मेगा स्पोर्स जो थे वो डीजेनरेट हो जाते हैं, उनमें से जो ओनली वन होता है वो मेगा स्पोर क्या करता है, फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है, जो कि मोनोस्पोरिक होता है, या इसे हम एंडोस्पर्म बोल सकते हैं, मतलब सिंगल सेल एंड हैप्लॉइड सेल होती है। और एंडोस्पर्म जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, क्यों? क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन के पहले डेवलपमेंट करते हैं। जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो आर्चिगोनिया को बियर करता है, बट ये ध्यान रखिए कि जो मेल गैमेटोफाइट है वो एंथ्रीडिया को बियर नहीं करता। इनके कैरेक्टर्स एंजियोस्पर्म से थोड़ा डिफरेंट हैं, तो उनमें ये है कि इनके अंदर आर्चिगोनिया तो डेवलप होता है लेकिन एंथ्रीडिया डेवलप नहीं होता, डायरेक्ट इनके अंदर पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो डेवलप होते हैं। और जो आर्चिगोनिया के नंबर हैं वो अलग अलग तरह की स्पीसीज में जिम्नोस्पर्म की अलग अलग होते हैं, जैसे नेटम में ओनली वन पाया जाता है, पाइनस में टू पाए जाते हैं, और जो साइकस है आपका उसमें बहुत बहुत सारे जो आर्चिगोनिया होते हैं वो डेवलप होते हैं, एक से ज़्यादा। और जो आर्चिगोनियम है नेटम में वो सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंट करता है ओवम को, और कोई भी स्ट्रक्चर उसमें नहीं पाए जाते। जैसे आपको ये स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए ये है, तो इसी स्ट्रक्चर को शो करता है, बाकी और कोई चीज़ उसमें और कोई स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती। जो आर्चिगोनियम है, हर आर्चिगोनियम में
अपना एक सिंगल एग होता है कहाँ पर, और मतलब अपना एक सिंगल एग होता है और एक वेंट्रल कैनाल उनके अंदर प्रेजेंट होती है, और जो नेक कैनाल सेल्स हैं उनके अंदर वो एब्सेंट होते हैं, और कुछ मेंबर जैसे साइकस हो गया इनमें वेंट्रल कैनाल जो होती है वो भी एब्सेंट होती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे इनके अंदर पॉलिनेशन किस तरह से होता है। चलिए हम देखते हैं पॉलिनेशन। जो पॉलिनेशन है, जैसा कि हमें पता है कि माइक्रोस्पोर्स यानी जो आपके पॉलिन ग्रेन्स थे वो लिबरेटेड होते हैं अलग अलग स्टेजेस में। जैसे मेल गैमेटोफाइट का जब डेवलपमेंट होता है तो वो लिबरेटेड होते हैं 3 सेल स्टेज में, जिनमें साइकस में, और 4 सेल स्टेज में पाइनस में, और 5 सेल स्टेज में एफेड्रा में लिबरेटेड होते हैं। और जो मेल गैमेटोफाइट है वो नॉन मोटाइल होते हैं, हमें सबको पता है। तो इनके अंदर जो पॉलिनेशन होता है वो ओनली एनेमोफिलस का मतलब दूसरे के जरिए, कोई भी इनके अंदर कैरियर पाया जाता है जो कि वाइंड होता है, हवा के द्वारा होता है, ब्राउट अबाउट वाइंड। और जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो डायरेक्टली कम यानी आते हैं और कांटेक्ट करते हैं ओव्यूल से, और जो पॉलन ग्रेन होते हैं उनको जो ओव्यूल का ये देखिए चैम्बर है, ये इंट्यूगमेंट लेयर, यहाँ पे आए और यहाँ से एक पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन करेंगे और फिर इसे यहाँ पर आर्चिगोनिया में एंटर कर देंगे, वहाँ पे ये फर्टिलाइजेशन करेगा और आगे जर्मिनेट करेगा। इस डायग्राम में आप एक और चीज़ बड़ी अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि देखिए ये जो पहली लेयर होती है इसे इंट्यूगमेंट कहते हैं, दूसरे इधर देखिए ये जो अंदर का ये स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को हम आर्चिगोनिया कहते हैं, जहाँ पर एक्स जो होते हैं आपके वो प्रेजेंट होते हैं, या इसे हम ये जो खाली जगह है इसे मेगा गैमेटोफाइट भी कहते हैं, और यहाँ जो ये आउटर कवरिंग होती है या न्यूसेलस होती है जिसे मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं। और ये देखिए ये जो होता है एंथ्रीडिया जहाँ पर डेवलपमेंट होता है, जिन जहाँ पर पॉलन ग्रेन्स का, इन्हें हम माइक्रोस्पोरेंजियम, ये जो पूरा है सैक या पॉलन सैक भी कहते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ें। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम इनके अंदर फर्टिलाइजेशन किस तरह से होता है उस प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करते हैं फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। जो फर्टिलाइजेशन है इनमें मेनली सिफोनोगैमस टाइप का होता है, मतलब विद द हेल्प ऑफ पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब की हेल्प से इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी अभी समझाया था कि जब पॉलन ग्रेन्स आएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर, तब क्या होगा कि वो एक पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेंगे, जो कि क्या करेंगे जो पॉलन ग्रेन्स थे उसे अंदर ओव्यूल तक पहुंचाएंगे और वहां पर जाकर के फर्टिलाइजेशन करेंगे। और फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर किसी भी तरह से इसेंशियल नहीं होता, और इनमें जो स्पोर होता है वो फ्यूज़न के बाद फॉर्म होता है, जो कि मेल और फीमेल गैमेट्स के अंदर जो स्पोर है वो फ्यूज़न के बाद फॉर्म होता है। ये देखिए ये लाइफ साइकिल है एक तरह से, पहले क्या हुआ देखिए ये माइक्रो स्पोर्स बने, ये मेगा स्पोर्स बने, फिर यहाँ पे माइटोसिस होता है उस प्रोसेस के द्वारा, इधर फीमेल गैमेटोफाइट बन गया इधर, और इधर मेल गैमेटोफाइट बन गया, फिर पॉलिनेशन होता है आपका, फिर पॉलिनेशन के बाद ये देखिए यहाँ पर आते हैं, फिर फर्टिलाइजेशन होता है। अब क्या होता है फर्टिलाइजेशन के बाद की जो जायगोट है वो इस तरह से पेरेंट कोन सेल का फॉर्मेशन करता है, फिर माइटोसिस प्रोसेस होती है जिसमें एम्ब्रियो सीड बनता है। अब जो सीड है वो माइटोसिस प्रोसेस करके एक तरह का स्पोरोफाइट बन जाएगा, एक तरह का पूरा लिविंग प्लांट बन जाएगा, जिम्नोस्पर्म बन जाएगा, डेवलप हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ें। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं कि इसका जो एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट किस तरह से होता है, यानी जब फर्टिलाइजेशन के आफ्टर, फर्टिलाइजेशन के बाद जो इनके अंदर डेवलपमेंट है वो किस तरह से होता है। उस प्रोसेस को हम एम्ब्रियोजेनी कहते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर एम्ब्रियोजेनी डाल रखा है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं कि ये जो प्रोसेस है किस तरह से होती है। जो इनके अंदर डेवलपमेंट है एम्ब्रियो का, ये मेरोब्लास्टिक होता है। मेरोब्लास्टिक का मतलब है कि एक पार्ट जायगोट का, चाहे वो बेसल हो चाहे वो नीचे मतलब सॉरी ऊपर वाला हो, आउटर ऊपर एपिकल पार्ट हो, एपिकल पार्ट हो या बेसल पार्ट हो, वो डेवलप करे सिर्फ एक ही पार्ट में, तो एक ही पार्ट में डेवलपमेंट हो तो उसे कहते हैं हम मेरोब्लास्टिक। इनका जो जायगोट का बेसल पार्ट है वो डेवलपमेंट करता है सिर्फ एम्ब्रियो के अंदर, और कोई भी नहीं करता, इन जो सारे पार्ट्स होते हैं वो डेवलप नहीं करते। ये देखिए
जैसे कि आपको इस डायग्राम में शो हो रहा होगा, ये देखिए नीचे का पार्ट्स ओनली, जो बेसल पार्ट है वो डेवलप कर रहा है सिर्फ। अच्छा, जो इनके अंदर न्यूक्लियस होते हैं उनके अंदर फ्री डिवीज़न होता है। अर्ली स्टेजेस में जो डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का, सिर्फ जिनेटम और इनको जो वेल्विस किया है उसको छोड़कर बाकी का जो डिवीज़न है वो फ्री, उनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो फ्री होते हैं डेवलप करने के लिए। अब इनको डिफरेंशिएट किया जाता है तीन पार्ट्स में। एक अपर होता है जिसे हाउस्टोरियल कहते हैं, मिडल होता है जिसे सीपेंसोरियल कहते हैं, और जो बेसल होता है उसे एम्ब्रियोनल सेल्स कहते हैं। और इनके कुछ स्पीसीज भी होते हैं ऐसे, या कुछ मेंबर्स भी होते हैं जिनके अंदर पॉली एम्ब्रियोनी यानी एक से ज़्यादा एम्ब्रियोनी पाए, एम्ब्रियोज पाए जाते हैं, उनका डेवलपमेंट होता है। जैसे कि पाइनस में कुछ एम्ब्रियोज ऐसे डेवलप करते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद जो कि एक से ज़्यादा एग का फॉर्मेशन करें बाय द डिवीज़न ऑफ जायगोट या क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी। अलग अलग तरह के पॉली एम्ब्रियोनी होते हैं, और कुछ होते हैं जो कि मैच्योरिटी कर पाते हैं, सही से मैच्योर हो पाते हैं, बाकी कुछ होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नहीं मैच्योर कर पाते। एक से ज़्यादा एग बनना, एक से ज़्यादा एम्ब्रियोज बनना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। और इनके अंदर जो पोलैरिटी होती है वो एंडोस्कोपिक होती है, जो कि शूट एंड और डायरेक्ट फ्रॉम माइक्रोफाइल, माइक्रोफाइल से अलग होती है। पोलैरिटी का मीन्स है मतलब जो जो इनकी बॉडी है वो पोलर पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, मतलब अपर ऊपर का पोल अलग हो जाएगा, नीचे का पोल अलग हो जाएगा। तो इनमें जो होती है वो शूट एंड और डायरेक्ट अवे फ्रॉम माइक्रोपाइल, जो माइक्रोपाइल होती है उससे डायरेक्ट अवे होती है। और इनके अंदर जो ट्रू फ्रूट लाइक जैसे एंजियोस्पर्म में फ्रूट्स प्रेजेंट होते हैं, वैसे स्ट्रक्चर इनके अंदर नहीं होते हैं, फ्रूट्स फॉर्मेशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर ओवरी नहीं पाई जाती। ओवरी नहीं होगी तो आप कोई भी फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। हाँ, ओव्यूल प्रेजेंट होता है जिसके अंदर आपका जो ये ओवम ओवम प्रेजेंट है, जिसके अंदर आपका मेगास्पोरोपाइल प्रेजेंट होता है जिससे सीड का फॉर्मेशन होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम इनके कुछ और पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है उसके बाद जो ओव्यूल है वो टर्न हो जाता है सीड में, यानी सीड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और जो इंट्यूबमेंट होते हैं ओव्यूल के वो सीड कॉट की तरह वर्क करते हैं, यानी ऊपर कवरिंग की तरह, सीड कवर की तरह वर्क करते हैं। और इनके अंदर जो कॉटिलेडॉन्स हैं वो डिफरेंट मेंबर्स में डिफरेंट होते हैं, जैसे कि साइकस में दो होते हैं, पाइनस में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और ये क्या होते हैं कि ये ग्रीन हो जाते हैं कब, जब सीड इसके ऊपर कवर होता है। और जो सीड होता है वो तीन जनरेशन को शो करता है। एक कौन सी जनरेशन होती है? इंट्यूगमेंट्स एंड न्यूक्लियस रिप्रेजेंट द पेरेंट स्पोरोफाइटिक फेज। जो इंट्यूगमेंट है और जो न्यूक्लियस है वो रिप्रेजेंट करता है पेरेंट स्पोरोफाइटिक फेज को, और जो एंडोस्पर्म होते हैं इनके अंदर वो रिप्रेजेंट करते हैं गैमेटोफाइटिक फेज को, और जो एम्ब्रियो है वो रिप्रेजेंट करता है एक न्यू स्पोरोफाइटिक फेज को, और जो जिम्नोस्पर्म है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को शो करते हैं, जिसमें क्या होता है स्पोरोफाइटिक या हम डिप्लॉयड फेज बोल सकते हैं, ये डोमिनेंट होते हैं पाए जाते हैं, और ये काफ़ी लॉन्ग लिव्ड होते हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं। और जो गैमेटोफाइटिक या हैप्लॉयड फेज बोल सकते हैं उसे, इनके अंदर शॉर्ट लिव्ड होता है, और ये मेनली डिपेंड होते हैं गैमेटोफाइटिक फेज पर, यानी इनके अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि देखा आपने मेल गैमेट बना, फीमेल गैमेट बना, और बाकी चीज़ें भी आप देखते हुए आए। आई थिंक आपको ये सभी चीज़ें समझ में आई होंगी पूरी सही तरह से। चलिए हम आगे बढ़े, और कुछ और पॉइंट्स बचे हैं, कुछ और थिंग्स बची हैं इस टॉपिक में, चलिए उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि इन जो जिम्नोस्पर्म हैं इनकी एफिनिटीज़ और रिलेशनशिप किन किन जो प्लांट्स हैं या प्लांट स्पीसीज हैं उनसे हैं। जैसा कि हम जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि जो जिम्नोस्पर्म हैं ये एवोल्यूशन के थ्रू टेरिडोफाइट से ज़्यादा डेवलपमेंट जो डेवलप्ड हुए प्लांट थे, फिर इनसे भी ज़्यादा जो डेवलप हुए प्लांट हैं वो उनमें मेनली एंजियोस्पर्म्स हैं। जो बोल सकते हैं हम कि ये जो जिम्नोस्पर्म हैं वो
कनेक्टिंग लिंक या बोल सकते हैं ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस का किनके, टेरिडोफाइट्स और एंजियोस्पर्म के बीच में प्लांट किंगडम में। क्यों? जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो कुछ बहुत ही ज़्यादा टेरिडोफाइट से क्लोज एफिनिटीज़ को शो करते हैं और बहुत ही ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो जिनमें वो एंजियोस्पर्म से डिफरेंट होते हैं या उनसे भी कुछ कुछ सिमिलरिटीज़ शो करते हैं। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जो जिम्नोस्पर्म्स हैं ये मेनली ज़्यादा डेवलप्ड टेरिडोफाइट्स हैं और इनसे भी ज़्यादा डेवलप्ड जिम्नोस्पर्म से ज़्यादा डेवलप्ड एंजियोस्पर्म्स हैं। या एंजियोस्पर्म से कम डेवलप जो प्लांट्स हैं वो जिम्नोस्पर्म्स हैं। चलिए आगे बढ़े। अब हम डिस्कस करेंगे, कभी कभी आपका 2 मार्क्स में भी पुट आउट किया जाता है क्वेश्चन कि डिफरेंस बिटवीन जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में डिफरेंस लिखे। मैं आपको कुछ मेजर पॉइंट्स बताऊंगी जो कि इंपॉर्टेंट है काफ़ी। आप इसका नोट्स भी बनाएं, मेरी आपको ये इंस्ट्रक्शन है। चलिए हम डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म। पहले मैं ये डिस्कस करूँगी कि जिम्नोस्पर्म में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मेन। जो जिम्नोस्पर्म है इनमें जो प्लांट होते हैं मेनली वुडी ट्रीज होते हैं, ये मेनली यूनिसेक्सुअल होते हैं और मोनोसियस और डायोसियस दोनों तरह के हो सकते हैं। इनके अंदर जो मेजोरिटी है जिम्नोस्पर्म की वो पेरेनियल होती है और इन जो रियली ये रिप्रोड्यूस करते हैं वो वेजिटेटिव मीन से रिप्रोड्यूस करते हैं। इनके अंदर जो वेसल होते हैं वो जाइलम एलिमेंटेड और कंपेनियन सेल जैसे फ्लोएम वो कम्प्लीटली अब्सेंट होते हैं। कुछ कुछ डेवलप चीज़ें होती हैं जो पाई जाती हैं, मतलब पूरी तरह से डेवलप नहीं होते, अब्सेंट होते हैं। और कोन्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं और एक तरह से बोल सकते हैं एक ब्यूटी फाइटिंग डिवाइस लाइक जैसे सेपल्स पेटल्स आपको इस फ्लावर में दिख रहा होगा जो कि एंजियोस्पर्म का फ्लावर है। ये एक तरह से जो फ्लावर है उसको ब्यूटीफुल बनाने का काम करते हैं। तो ये इनमें नहीं होता है, मेनली एब्सेंट होता है। और जैसे ये देख सकते हैं आप ये जिम्नोस्पर्म में रिप नहीं है, एब्सेंट है और एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट है। जो इनके ओव्यूल्स होते हैं जैसे कि आपको दिख रहा है कोई भी आउटर कवरिंग नहीं है, नेक्ड होते हैं। आर्चिगोनिया इनके अंदर प्रेजेंट होता है, ये अंदर की स्ट्रक्चर आर्चिगोनिया। इनके अंदर फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होता जिम्नोस्पर्म के अंदर। और जो इनका एंडोस्पर्म है वो हैप्लॉयड होता है, यानी एन सेल्स होते हैं ओनली, हैप्लॉयड बोलते हैं इसे। और जो एम्ब्रियो होता है वो 2N होता है, यानी डिप्लॉयड होता है। चलिए हम आगे बढ़ें और एंजियोस्पर्म के जो कैरेक्टर्स हैं उनको देखें और ताकि हमें पता चल पाए कि वो जिम्नोस्पर्म से किस तरह से अलग है। एंजियोस्पर्म में मेनली जो प्लांट्स रखे गए हैं वो हर्ब्स और श्रब और ट्रीज रखे गए हैं मेनली। अभी बाइसेक्सुअल होते हैं और यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं और मोनोसियस और डायोसियस हो सकते हैं। ये एक तरह की सिमिलैरिटी है जो कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म शो करते हैं, बट वो यूनिसेक्सुअल होते हैं या बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल दोनों तरह के होते हैं ये। एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, एनुअल या बाइनियल या पेरेनियल हो सकते हैं। एनुअल मतलब ये इनके जो लीव्स हैं वो एक साल में या 6 महीने में, 6 मंथ में या और भी कुछ टाइम होता है उसके बाद झड़ जाते हैं। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं, कॉमन होता है वेजिटेटिवली रिप्रोडक्शन इनमें, जैसे सीड से नए प्लांट का रिप्रोडक्शन होना या फॉर्मेशन होना कॉमन सी बात है। इनके अंदर वेसल्स पूरी तरह से और कंपेनियंस पूरी तरह से डेवलप्ड और कम्प्लीटली प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर कोन्स नहीं पाए जाते, कोन्स नहीं बनते और इनके अंदर जो फ्लावर है वो कंसिस्ट होते हैं सेपल से पेटल से, जैसा कि आपको ये ब्यूटीफुल से स्ट्रक्चर दिख रही है। ये जो है आपके ये पेटल्स हैं और ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर है नीचे ये सेपल्स है आपकी। और जो इनके अंदर पॉलिनेशन होता है वो एनोमोफिलस होता है और एंटोमोफिलस भी होता है और जूफिलस भी होता है, मतलब कोई इंसेक्ट के द्वारा भी हो सकता है, वाइंड के ज़रिए से भी हो सकता है और बाकी कोई भी कैरियर के वजह से हो सकता है। इनके अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं वो ओवरी वॉल से इनक्लोज्ड होते हैं। इनके अंदर आर्चिगोनिया भी प्रेजेंट होता है और इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो होता है और जो फ्रूट फॉर्मेशन है वो भी इनके अंदर प्रेजेंट होता है। आई थिंक आपको ये थिंग्स जो मैंने कैरेक्टर्स बताए ये समझ में आए होंगे। चलिए हम आगे बढ़े।
सो अब हम बात करेंगे इनके कुछ एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस की, यानी ये कैसे सिग्निफिकेंस शो करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि इनके अंदर एवोल्यूशन हुआ है। सो जो जिम्नोस्पर्म है ये बहुत ही एंशिएंट सीड प्लांट है जो कि ओरिजिनेटेड हुए थे कब, लेट पैलेजोइक एरा में। पैलेजोइक एरा मतलब 290 to 540 मिलियंस ईयर्स एगो जो एरा हुआ था उसे हमने पैलेजोइक एरा का नाम दिया। जो क्या होते हैं ये फ्लरिशिंग करते हैं, एक मतलब जब डेवलपमेंट हुआ तो पैलेजोइक एरा में मेनली, और जो आपका ये मीसोजोइक एज है इसमें भी कुछ तरह के डेवलपमेंट हुए। इनका जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है वो डाइवर्स होता है, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री फुल ऑफ डाइवर्स लाइंस जिसे हम एवोल्यूशन बोलते हैं। एवोल्यूशन की डाइवर्स लाइन से इसे डाइवर्स किया जाता है। तो जो इनके अंदर एवोल्यूशन है वो पहले क्या था, ये फर्न लाइक सीड थे, ग्रुप थे एक फर्न लाइक सीड का। फिर क्या हुआ, जिससे जो ये फर्न लाइक सीड था, ग्रुप था, मैंने आपको साइकेडोफिलिकेल्स में भी बताया था। सो इसी जो ऑर्डर है इसे हम साइकेडोफिलिकेल्स कहते हैं, जिनमें फन लाइक स्ट्रक्चर थे, या मान सकते हैं जो टेरिडोस्पर्म थे या जो टेरिडोफाइट्स थे उनमें भी कुछ तरह के कम डेवलप चीज़ें थी। सो उनसे डेवलप हुए ये जो आपके जिम्नोस्पर्म हैं। इनके अंदर न्यूरोप्टेरिस मान लीजिए और लैग्नोप्टेरिस, ये कुछ एग्जांपल हैं प्लांट्स के जो कि फन लाइक जनरल अपीयरेंस रखते थे, जिनके अंदर मतलब जो फॉलियस थे, लेकिन ये प्रिमिटिव टाइप के सीड को थे जो प्रोड्यूस करते थे। अच्छा, जो इनके अंदर फॉसिल सीड है वो उनमें हमें पता है कि फंस की तरह उसने एविडेंस दिए हैं, तो हम बोल सकते हैं कि जो जिम्नोस्पर्म का ओरिजिन है या डेवलपमेंट है वो उनकी जो स्टाल्क है या फन लाइक इंडिविजुअल्स थे उनके ज़रिए प्रेजेंट हुए, उनके ज़रिए डेवलप हुए हैं। सो जो एवोल्यूशन है उसने सीड हैबिट को प्रोड्यूस किया, मतलब कुछ नंबर ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन बोल सकते हैं हमें जो नेसेसरी थे इनके लिए, जैसे सेकेंडरी बुड या स्टीलर सिस्टम या ओरिजिन ऑफ लीफ, डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स ओव्यूल्स और सीड का डेवलपमेंट, और जो सीड प्लांट हैं वो इनके जो पहले सीड प्लांट थे वो हेट्रोस्पोरस थे जो कि प्रोड्यूस करते थे टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स, जिसमें हम बोल सकते हैं एक मेगा स्पोर्स और एक माइक्रोस्पोर्स। सो आगे कुछ और इनके कैरेक्टर्स हैं उन्हें देखते हैं क्या एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको इस डायग्राम में शो किया है कि कोई भी सीड है उसका एवोल्यूशन किस तरह से हुआ है वो मैंने आपको इसमें दिखाया है। सो एक बार हम देख लेते हैं, तो देखिए सबसे पहले क्या था, स्पोर फॉर्मेशन हुआ करता था, जो थैलोफाइट हुए आपके या टेरिडोफाइट्स हुए उनमें स्पोर फॉर्मेशन होता था, जिसमें स्पोरेंजियम, ये जो आउटर वॉल है, ये जो सैक है, इसे स्पोरेंजियम कहते हैं और इससे हम होमोस्पोरस एंसेस्टर कहते हैं। फिर क्या हुआ कि हेट्रोस्पोरी प्रोसेस होने लगी, यानी ये माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बनने लगे। ये देखिए मेगास्पोर में फिर डेवलप हुआ, रिडक्शन हुआ मेगास्पोर का, एंडोस्पोरी एक प्रोसेस होती है उसके थ्रू, मतलब एंडोस्पोरी की प्रोसेस हुई जिससे डेवलपमेंट हुए, मेगास्पोर काफ़ी डेवलप कर गए तो इस तरह की स्ट्रक्चर बनने लगी। फिर जो फीमेल गैमेटोफाइट हैं वो इस तरह से उनके अंदर ऊपर इंट्यूगमेंट लेयर पाई जाने लगी, ये लेयर फिर इस तरह से फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होने लगा। सो इस तरह से जो सीड है उसका डेवलपमेंट हुआ है और पॉलन ग्रेन्स बनने लगे, और पॉलन ग्रेन्स या पहले स्पोर का फॉर्मेशन होता था बट अब क्या हुआ कि इस तरह से स्ट्रक्चर बनने लगे। सो चलिए आगे कुछ और मेजर पॉइंट्स हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। सो जो पॉलन का डेवलपमेंट है उसमें क्या होता था, एक तरह का एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है। क्यों? क्योंकि स्पर्म जो थे वो प्रोटेक्टेड होते थे एक पॉलन ऊपर से स्ट्रक्चर से। सो जो पॉलन थे वो ट्रैवल करने में सक्षम थे वाइंड के थ्रू, और वो अलाउ करते थे जो प्लांट है उसको बहुत सारे रिकॉम्बिनेशन, मान लीजिए बहुत सारे लॉन्ग डिस्टेंस है, मान लीजिए ये प्लांट यहाँ है और मान लीजिए ये प्लांट आपसे, मान लीजिए कोई भी प्लांट है वो एक दूसरे से दो प्लांट्स 100 मीटर की दूरी पर है, अगर लेकिन वो वाइंड के थ्रू बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं। सो जो डेवलपमेंट ऑफ सीड है
एल डेवलपमेंट ऑफ सीड इज ऑल्सो एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस। ये एक तरह का एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है, क्यों? क्योंकि जो सीड होते हैं वो प्लांट एम्ब्रियो को उनके अंदर कंटेंस होता है, उनके अंदर होता है, प्लांट एम्ब्रियो को बियर करते हैं और एक इनफ एनर्जी जो कि एम्ब्रियो को प्रोवाइड करते हैं थ्रू जर्मिनेशन प्रोसेस के थ्रू। इसका एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ये है कि जो सीड है वो रिलेटेड करता है प्लांट की कैपेबिलिटी जो कि कॉलोनाइजेशन या बोल सकते हैं प्रोटेक्शन ऑफ एम्ब्रियो, और जो सीड है वो कंटेन करता है एम्ब्रियो को जो कि कैरीड करते हैं वाइन के थ्रू, और जो वाटर या एनिमल्स या और भी थिंग्स हैं वहाँ पर ये और भी इन्वायरमेंट है, अलग अलग तरह के हैबिटेट में ये जर्मिनेट कर जाते हैं। एक फैक्ट हम बता सकते हैं यहाँ पर कि अलग अलग वेराइटी मान लीजिए ये सो ये मेनली कंट्रीब्यूट करते हैं एक्सप्लोइटेशन ऑफ वैरायटी ऑफ इकोलॉजिकल नेक्स, मतलब इकोलॉजिकल नेक्स में, और डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट स्पीसीज में, कुछ प्लांट स्पीसीज होती है उनकी डाइवर्सिटी को शो करने के लिए, और सीड एडिशन को शो करने के लिए जो कि एम्ब्रियो के अगेंस्ट होता है एक्सटर्नल एग्रीगेशन, या बहुत सारे एडिक्वेट कंडीशन होते हैं इन सीड के अंदर जो कि इनको एवोल्यूशन की जो सिग्निफिकेंस है उनको शो करते हैं। सो ये कुछ कंट्रीब्यूट थे एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस में जिम्नोस्पर्म के। सो आई थिंक आपको समझ में आए होंगे। कुछ डायग्राम्स हम देख लेते हैं। सो मैंने इस डायग्राम में आपको ये शो किया है कि जिम्नोस्पर्म का यानी कि जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म किस तरह से डेवलप हुए हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए ये साइकेट्स क्लास थी, इसके अंदर ये जो जिम्नोस्पर्म थे काफ़ी जैसा कि आपको इसमें दिख रहा होगा ट्री जो थे काफ़ी स्मॉल होते थे, इनकी जो ब्रांच इनमें प्रेजेंट नहीं होती थी और ये क्राउन लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट होती थी। फिर उसके बाद एवोल्यूशन के थ्रू सीड का एवोल्यूशन हुआ और गिंगूस आपका ये ऑर्डर बना, गिंगूस भी बोलते हैं इसे, इसमें थोड़े डेवलप तरह के हुए। फिर कॉनिफर्स बनने लगे जिसमें आपके कून्स बनने लगे, फिर आपके ये जेनिटोफाइट्स बनने लगे जिसमें आपके कुछ गैमेट फॉर्मेशन होने लगे, और फिर एवोल्यूशन होने के बाद आपके फ्लावरिंग प्लांट्स बनने लगे जिनमें आपके एंजियोस्पर्म रखे जाते हैं, एंजियोस्पर्म कहे जाते हैं। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। कुछ और चीज़ें हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। सो जो प्लांट एवोल्यूशन है उसके कुछ मेजर पीरियड्स थे, उनमें किस तरह से डेवलपमेंट हुआ वो मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगी। सो मान लीजिए इसमें देखिए कि क्या हुआ कि सबसे पहले ऑरिजिन हुआ प्लांट्स का, यानी थैलियोफाइट्स, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, ये सब बनने लगे, एल्गी, फंजाई वगैरह। फिर उसके बाद वैस्कुलर प्लांट्स बने जिनमें आपके ब्रायोफाइट्स या मॉसेस बनने लगे। आपके ये जो प्लांट्स थे इसमें मेनली पहले जो ये प्लांट थे इनमें मेनली क्लोरोफाइट्स रखे गए जिसमें ग्रीन एल्गी रखी गई या और बहुत सारे एल्गीज रखे गए। फिर आपके ये वैस्कुलर प्लांट बने जिसे हमने अर्ली वैस्कुलर प्लांट कहा जिसमें मेनली ब्रायोफाइट्स इस तरह से स्ट्रक्चर होती थी उनकी। फिर उसके बाद हमारे फर्स्ट सीड प्लांट बने जिसमें मेनली जिम्नोस्पर्म रखे गए, जैसे ये देखिए सीडलेस वैस्कुलर प्लांट है इसमें फंस और हॉर्सटेल्स इसमें है। फिर आपका ये देखिए जिम्नोस्पर्म बने, और फिर क्या हुआ कि रेडिएशन हुआ इनका फ्लावरिंग प्लांट्स में जो कि हमने इन्हें नाम दिया एंजियोस्पर्म्स। सो ये मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो हुआ था, बहुत ही पहले हुआ था। जैसे मान लीजिए ये जो पैलोजोइक है आपका 500, 400 and 300 BC एगो, और जो मीसोजोइक है ये 100 and 200 BC एगो। सो आई थिंक आपको ये मेरा जो एक्सप्लेनेशन है काफ़ी समझ में आया होगा, आपके लिए अंडरस्टैंडिंग रहा होगा। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई थिंक ये आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। सो आप अपने सिलेबस के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। और आपका जो भी BSc और MSc के टॉपिक्स है वो मैं सभी के सभी अपने सभी वीडियोस में धीरे धीरे करके अपलोड करती जाऊंगी और सारे टॉपिक कंप्लीट करूंगी। सो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।